तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर की शॉर्ट्स वीडियो को कैसे बनाते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, और साथ में आपको एक दूंगा यहाँ पर ग्रो टिप्स जिससे आपकी यहाँ पर वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका भी एक यूट्यूब पर फ्री फायर का गेमिंग चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्री फायर की जो शॉर्ट्स वीडियो है उनको कैसे एडिट करते हैं और आपको बताते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगी यहाँ से काइनमास्टर ऐप। तो मैं यहाँ से काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें एक एम्पिटी प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। तो इस यहाँ से मान लीजिए एक मैंने यहाँ से एक वीडियो को डाउनलोड कर रखा है, शॉर्ट्स वीडियो को। तो यहाँ पर एक फ्री फायर का जो हेड शॉट है, स्लो मोशन है, उसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। अगर आप भी चाहते हैं स्लो मोशन वीडियो बनाना, इस तरह की वीडियो बनाना, फ्री फायर की स्लो मोशन जो हेड शॉट की होती है उसको अगर बनाना चाहते हैं, तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एक वीडियो को लिया है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको वीडियो पे क्लिक करना है। नीचे आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है, यानी हमें जो फुल स्क्रीन पे इसको लाना है। तो फुल स्क्रीन के लिए आपको इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ से वो जो यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा गाइस, कुछ इस तरीके का हमारी फुल स्क्रीन का जो स्टेटस है वो इस तरीके का तैयार होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको यहाँ से म्यूज़िक ऐड करना है तो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। टाइटल वगैरह ऐड करना है तो टाइटल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं एक लोगो ऐड करता हूँ, अपना एक लोगो, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो आखिर मेरा है कहाँ पे। तो देख लेते हैं लोगो यहाँ पर कहाँ पे। तो मैंने यहाँ से एक लोगो तैयार किया रखा, तो इस तरीके का लोगो मैंने बनाया। तो अगर आपको इस तरीके का लोगो बनाना सीखना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि लोगो कैसे बनाते हैं, तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से हम लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब इसको हम फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं लोगो को, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको सेव। तो ये वीडियो हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए आपको यहाँ से 720 वाली क्वालिटी पर भी सेव कर लेना है, या सुपर भी कर लेना है, नीचे ना करिएगा। तो ये हम कर लेते हैं सेव। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक वीडियो को सेव कर रखा है, इसी तरह से मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है। तो मैं उस वीडियो को YouTube पे अपलोड करके दिखाता हूँ, YouTube शॉर्ट्स पे। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा भी कि आपको क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपकी वीडियो यहाँ पर वायरल होगी। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने YouTube ऐप को ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ से आप कैसे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट शॉर्ट्स, सिंपल हमें इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से हम चले जाते हैं अपलोड पे। तो आप नीचे देख रहे होंगे अपलोड, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से हम चले जाते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद मैंने एक यहाँ से वीडियो पहले से एडिट कर रखी थी, तो ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं ये मैंने फुल स्क्रीन पर बना रखी है। तो अब हमें सिंपल करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल देना है। तो एक आपको यहाँ पर टाइटल देना है, मान लीजिए मैं यहाँ से एक टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ हेड शॉट। तो सॉरी यहाँ से टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ से लिखता हूँ बेस्ट हेड शॉट, बेस्ट हेड शॉट लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ट्रिक लगानी है वो ये है। तो आपको यहाँ पर एक पाई का ऑप्शन लगाना है, ये देखिए ये पाई का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है शॉर्ट्स हैश एंड शॉर्ट, हैशटैग लगाना है यहाँ पर आपको शॉर्ट का। तो हैशटैग शॉर्ट्स ये दिख रहा है, इसको पूरा आपको कॉपी कर लेना है, ऑल टोटल करना है इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा सेलेक्ट ऑडियंस। तो सेलेक्ट ऑडियंस मैं आपको बता दूँ क्या करना है। सेलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, यस इट्स मेड फॉर किड्स एंड नो इट्स मेड फॉर किड। तो आपको नो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे लगाना है। उसके बाद आपको करना है अपलोड। तो अपलोड हो रही है, थोड़ा सा यहाँ से वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊँगा जो यहाँ पर आपको मेन ट्रिक है जिससे आपकी वीडियो यहाँ से वायरल होगी, वो ट्रिक आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, तो वीडियो को स्किप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं चैनल में, तो योर चैनल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करते हैं वीडियोज़ पे क्लिक। वीडियोज़ पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो दिख रही है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं एडिट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिस्क्रिप्शन का, तो हम ये सारे टाइटल को कॉपी पहले भी किया था, अगर ना किया हो तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको सेम वही टाइटल टैग्स, वो सॉरी यहाँ से आपको वही टाइटल डालना है जो हमने कॉपी किया था।
तो एक तो ट्रिक ये होती है वीडियो वायरल कराने की। उसके बाद अगर आपको चाहते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको हैशटैग शॉर्ट्स होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन और देखने को मिलता है टैग्स का, जो कि हमारी वीडियो को रैंक कराता है, तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डालिएगा यूट्यूब शॉर्ट्स, तो यूट्यूब शॉर्ट्स जब आप डालेंगे तो आपका जो यूट्यूब शॉर्ट्स का जो सिस्टम होता है ना, उसमें आपकी वीडियो आ जाएगी, जिससे वीडियो वायरल हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको यूट्यूब शॉर्ट्स डालना है। तो ये थी ये ट्रिक। तो अब वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं यहाँ से वीडियो कैसी लग रही है। तो वीडियो हमारी इस तरह से फुल स्क्रीन पर आएगी, आप देखना इस तरह से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो ही शॉर्ट्स पे अपलोड होगी। अगर आप यहाँ से जो नॉर्मल सी हमारी वीडियो साइज़ होता है अगर उसको अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करते हैं तो वो आपका नहीं अपलोड होगा। तो इसी तरीके यही ट्रिक है, इस तरह से आप वीडियो का साइज़ रखेंगे, उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे तो आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो आसानी से अपलोड होगी। तो गाइस, एक भाई की यहाँ पर कमेंट आ रही थी कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ पास में बेल आइकॉन प्रेस।